नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सिवनी जिले के लखनादौन को जिला बनाने के लिए रखी गई बैठक में वकील, दोनों पार्टियों के नेता एवं पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी बात लखनादौन को जिला बनाने को लेकर विधानसभा भर से आए लोगों ने अपनी अपनी हुंकार भरी। साथ ही कहा कि यदि लखनादौन जिला नहीं बना तो सरकार के खिलाफ सड़कों में उतरने को नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, और जिला नहीं तो मंत्री विधायक नहीं होंगे। साथ ही लोगों का कहना है कि बहुत किया आवेदन और निवेदन, अब नहीं होगा मंत्रियों का आवेदन और निवेदन। बैठक में उन बिंदु पर चर्चा की गई। सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों की लिस्ट तैयार करना, आगामी 22 तारीख को जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना, 22 तारीख के बाद जनप्रतिनिधियों को काला झंडा दिखाएंगे। यदि इस बीच हमारे जिले के संबंध में ये लोग हमारे साथ नहीं है, इनके द्वारा कुछ सकारात्मक यदि हमारे जिला बनाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा तो उन जनप्रतिनिधियों को जब भी यहाँ आएंगे वो काला झंडा दिखाया जाएगा। आज कोई कार्यक्रम नहीं था, पूरे क्षेत्र स्तर पर एक बैठक संपन्न हुई जिसमें तय किया गया और नामकरण किया गया कि लखनादौन जिला बनाओ समिति। इस नाम से एक संघर्ष समिति बनाई गई, जो संघर्ष समिति लखनादौन को जिला बनाने के उद्देश्य को लेकर संगठित हुए हैं। इसमें सभी व्यापारी, पत्रकार, क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि सभी की सहभागिता रही और हमारी बैठक में लगभग 100 जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसके आगे हम जनप्रतिनिधियों को साथ में लेंगे, विधायक, सांसद और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर संघर्ष की रूपरेखा तय करेंगे। जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि लखनादौन को आखिर जिला क्यों नहीं बनाया जा रहा, जबकि हमारे 1860 की तहसील है। जब हमारा छिंदवाड़ा जिला हुआ करता था तब लखनादौन इस जिले की प्रमुख तहसीलों में गिनी जाती थी और आज भी तहसील है। यानी 100 साल बाद, 150 साल के बाद भी हम जहां के तहां हैं, ऐसी उपेक्षा अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। खबर समय जगत के लिए सिवनी लखनादौन से निकिलाल अहिरवार की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।